चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,535 नए केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण घटने के साथ ही पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है। शादियों में 250 मेहमान की पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मंत्री सारंग ने फिर भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग दोहराई। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा तो गायों की मौत पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के धरने पर बोले कि कांग्रेस कहती कुछ और करती कुछ और है। क्या कुछ और कहा उन्होंने, आप सुनिए। 47,986 एक्टिव केस हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और ये आदेश निकला है कि अब शादियों में जो संख्या की लिमिटेशन थी वो समाप्त की गई है, परंतु उसके साथ साथ सभी नागरिकों से ये अपील भी की गई है कि हम सब पूरे उत्साह के साथ शादी मनाएं, शादी में सम्मिलित हो, परंतु उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी हम ध्यान रखें, मास्क लगाएं। निश्चित रूप से बदला जाना चाहिए, मेरी मांग भी और मैं प्रयास भी करूंगा। जैसा मैंने कहा, भोपाल का नाम हो या मध्य प्रदेश में बाकी हिस्सों में भी, कहीं भी यदि गुलामी से के प्रतीक के नाम है तो वो निश्चित रूप से बदले जाने चाहिए। ये जनता की भी मांग है और ये हम सबकी भावनाओं को बलवित करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा कि वो नाम जो गुलामी के प्रतीक है उनको बदलने का काम सरकार करे। देखिए, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस से और कुछ अपेक्षित नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से को गो संवर्धन या गो संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उन्हें तो केवल मीडिया की सुर्खियां बनना है, चाहे पीसी शर्मा हो या आरिफ मसूद हो, कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह जी हो। वो केवल और केवल हिंदू विरोधी, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातों पर काम करते हैं। आरिफ मसूद जी हो या पीसी शर्मा जी हो, वो ये बताएं कि गो संरक्षण के लिए उन्होंने किया क्या है। जिस घटना को लेकर वो धरना दे रहे हैं उस पर प्रशासन ने पहले ही कार्रवाई कर दी है, उस पूरी घटना की जांच भी हो रही है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई भी होगी, हटा भी दिया गया है, उस पूरे प्रकल्प को सुव्यवस्थित करने की भी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है। अब किस बात का धरना दे रहे हैं?